जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान जी बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ रज़ा, मैं डीन फैकल्टी वेटरनरी एनिमल साइंसेज हूँ। आज हमारा ये जो कांगो वायरस फीवर के ऊपर हम एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। बेसिकली ये एक डॉक्टर अजीज़ साहब हैं, हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका प्रोजेक्ट है जो रॉयल सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन ने इसको फ़ंड किया है। एक इंटरनेशनल यूके ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट प्रोजेक्ट फ़ंड करती है, तो ये प्रोजेक्ट उन्होंने फ़ंड किया। और इसके अंदर हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ रिसर्च, जो ये भी यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके अंदर हमारे साथ पार्टनर है। तो ये बेसिकली हम पाकिस्तान के अंदर सर्वेलेंस कांगो वायरस के ऊपर सर्वेलेंस करने जा रहे हैं, क्योंकि कांगो वायरस जो फीवर है ये बड़ा कॉमन, आप कह लें कि कॉमन इन दी साइंस, इस तरह है कि एनिमल्स के अंदर इसकी प्रेवलेंस काफ़ी बढ़ गई है। अफ्रीका एक कंट्री कांगो के अंदर ये बेसिकली 1942 के अंदर पहले रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद फिर ये पाकिस्तान में आया, क्योंकि एनिमल की आप कह रहे ट्रांसपोर्टेशन और इसके ऊपर थोड़े सी सख्ती कानून या किसी तरीके से, क्योंकि इसका एक इंटरमीडिएट जो इसका वेक्टर है वो जो इसको डिज़ीज़ को फैलाता है वो है टिक्स। तो टिक्स की मोबिलिटी बड़ी कॉमनली हुई और पाकिस्तान के अंदर ये शिफ्ट हो गया। अब ये क्या है कि जी टिक्स इन्फेक्टेड हो जाती हैं, टिक्स फार्म के ऊपर आपने देखा होगा एनिमल्स पे टिक्स का बड़ा अटैक होता है एनिमल्स के ऊपर, और काफ़ी सारे फार्मर हम लोग उसको इग्नोर भी कर देते हैं, तो उसको हल्के से इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो होता क्या है, वो टिक्स एक जानवर से दूसरे जानवर इन्फेक्टेड होके इस वायरस को ट्रांसपोर्ट करती हैं। एनिमल के अंदर जब ये डिज़ीज़ होती है तो वो एनिमल एक एनिमल से फिर दूसरे एनिमल के, और इवन उस एनिमल के साथ ह्यूमन का इंटरेक्शन हो जाता है, तो ह्यूमन भी इससे इफेक्ट होता है। तो इसलिए ये हमारा जो आप कह लें कि कांगो वायरस फीवर है बहुत इंपॉर्टेंट है इन दी कंटेक्स्ट के एनिमल के साथ साथ ह्यूमन की हेल्थ भी डायरेक्टली इसके साथ अफेक्ट हो रही है, और ह्यूमन के अंदर डेथ्स भी इसके अंदर रिपोर्ट्स हो रही हैं इस कांगो फीवर वायरस की वजह से। तो अभी हमने ये प्रोजेक्ट जो मिला है इसके अंदर बेसिकली हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं और जो लाइफ स्टॉक फार्मर्स हैं, जो लाइफ स्टॉक ओनर्स हैं, उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि किस तरह वो इब्तदाई या एहतियाती तदाबीर या फर्स्ट एड या कोई प्रिवेंटिव मेजर अडॉप्ट कर सकते हैं कि जिनसे वो अपने जानवरों के अंदर कांगो वायरस के स्प्रेड को रोक सकें, मिनिमाइज़ कर सकें, और किस तरह ऐसे इन्फेक्टेड एनिमल को आपने डील कर रहे हैं कि ताकि वो डिज़ीज़ उस एनिमल से ह्यूमन में शिफ्ट ना हो सके। क्योंकि सबसे बड़ा आप कह लें कि एनिमल के ज़रिए इन्फेक्शन के ज़रिए ह्यूमन की हेल्थ इन्फेक्ट होगी, एनिमल से वो एक लाइफ स्टॉक फार्मर है उसकी इकोनॉमिक्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। पिछले 2-4 सालों के अंदर आपने देखा होगा कांगो वायरस की एक डिज़ीज़ बड़ी सीवियर किस्म की आई थी और पाकिस्तान के अंदर आप कह रहे कि हज़ारों लाखों एनिमल्स इनसे इन्फेक्ट हुए थे, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ज़िला बंदियाँ कर दी थी कि एनिमल एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जब शिफ्ट हो रहे थे, ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, स्पेशली ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर उनका प्रॉपर चेकअप किया जा रहा था। और फिर उसके बाद कुछ ह्यूमन के अंदर केसेस भी रिपोर्ट हुए, क्योंकि जूनाटिक इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ इशू है, और फिर टिक्स का आप कह लें कि जो वेदर कंडीशन चेंज होती है उसके अंदर टिक्स की ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और टिक्स की ब्रीडिंग के ज़रिए फिर क्या होता है कि एनिमल की जो ज़्यादा से ज़्यादा वो एनिमल को इफेक्ट करती है। आज के ये सेमिनार हम जो ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं अपनी फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में, उसका फोकस यही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को आगाही दे सकें, लाइफ स्टॉक फार्मर्स को आगाही दे सकें, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको आगाही दे सकें कि हमने किस किस स्टेप के ऊपर कांगो वायरस की स्प्रेड को मिनिमम करना है या उसके स्प्रेड की चेन को ब्रेक करना है, कि हम टिक्स को कंट्रोल कर लें तो इसकी स्प्रेड की चेन ब्रेक हो जाएगी। टिक्स की हमने कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह के हमने उसके लिए स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करनी है, देन खुदा ना खास्ता हम इस लेवल से निकल चुके हैं कि ये इन्फेक्शन टिक्स के ज़रिए एनिमल पहुंच चुकी है, तो हमने एनिमल को फिर किस तरह, ऐसे एनिमल को जो कांगो वायरस इफेक्ट हो गया उसको किस तरह डील करना है कि वो उसके अंदर होगी, उससे किस तरह डील करना है ताकि वो इन्फेक्शन दूसरे एनिमल में शिफ्ट ना कर सके और उससे वो इन्फेक्शन ह्यूमन पॉपुलेशन में ट्रांसफ़र ना हो सके। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं एनिमल साइंसेज के हैं, पोल्ट्री साइंस के स्टूडेंट हैं, हमारे माइक्रोबायोलॉजी के हैं, हमारे पब्लिक हेल्थ के, मेडिकल लैब के स्टूडेंट, हमारे जितने फैकल्टी के अंदर जूलॉजी के स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, हमारे एक तरह के एम्बेसडर, हमारे एक्सटेंशन वर्कर बन के जो फार्मर्स हमारे पास आए हुए हैं, जो एक्सपर्ट आए हुए हैं,
उनके साथ मिलके ये इस हमारे पैगाम को, इसके कांगो वायरस को सदबाब करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए एज ए एक्सटेंशन वर्कर हमारी यूनिवर्सिटी के जो हमारे कम्युनिटी सर्विस का एक कंपोनेंट है उसके साथ हमारे साथ चलेंगे। इनको जब इनको बेसिक आगाही होगी, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो कुछ ये पढ़ के आ रहे हैं अपनी डिग्री के दौरान, अब फोकस्ड हम इस पर करेंगे कांगो वायरस के ऊपर, तो ये जब ये चीज़ें सीखेंगे आज के सेमिनार के अंदर, कुछ प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन होगी, कुछ इसके हम फैक्ट एंड फिगर पाकिस्तान के अंदर से स्टैटिस्टिक के बारे में बताएंगे, तो होगा क्या कि ये एज ए फैकल्टी यूनिवर्सिटी के एम्बेसडर बन के जाएंगे, जो कम्युनिटी सर्विस का हमारी यूनिवर्सिटी का फोकस्ड है उस कंपोनेंट को जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि जनाब कांगो वायरस की अवेयरनेस के ऊपर, क्योंकि अब ईद के बाद ईद उल अज़हा आ जाएगी, जानवरों की ट्रांसपोर्ट का आप कह लें कि सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर लोग बड़े आप कह लें कि मंडियां मवेशी मंडियां लगेंगी, उसके अंदर इसके स्प्रेड के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो हम ये सेमिनार ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ये स्टूडेंट वहां जाके जो मवेशी मालकान हैं, जो इन लोगों को डील करने वाले हैं, मवेशी मंडियों के अहलकार हैं, वहाँ उनको जाके आगाही देंगे कि जी खुदा ना खासा किसी जानवर के अंदर ये साइन एंड सिम्टम है तो उस जानवर को फ़ौरन अलग कर दें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें। तो ये एक एक्सटेंशन वर्कर के तौर, तो हम बेसिकली कम्युनिटी फोकस इस प्रोजेक्ट के बेस के ऊपर हम कम्युनिटी सर्विस की तरफ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आई होप कि हम सब मिल के हमारी यूनिवर्सिटी का जैसे वीएन है हमारे, तो हम इंशाल्लाह के जो ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल हेल्थ को जो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं उनकी स्प्रेड को इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि अवेयरनेस के ज़रिए, कम्युनिटी सर्विसेज के ज़रिए हम उनको मिनिमाइज करें, ताकि एक हेल्दी पाकिस्तान हो, हेल्दी नेशन हो, और हमारा जीडीपी, हमारा जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है हमारे लाइफ स्टॉक का, वो इंक्रीज हो सके, और ह्यूमन हेल्थ भी आप कह लें उससे उसको बेनिफिट मिले इंशाल्लाह। थैंक यू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं डॉक्टर अज़ीज़ुर्रहमान, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज के अंदर, हम मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे आज, क्योंकि हम एक सेमिनार अरेंज करवाने जा रहे हैं जो कि है कांगो वायरस के ऊपर। कांगो वायरस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी इस वक्त, जो कि लाइफ सेक्टर, जो भी हमारे जानवर हैं, हमारे जो फार्मर भाई हैं, और हमारा जितना भी लाइफ सेक्टर है वो इससे आज जूझ रहा है, जो कि आप देखते हैं कि कुर्बानी के दिनों के अंदर हमारा ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ना सिर्फ उस एक फार्मर का और उसके साथ साथ हमारी इस कंट्री की इकोनॉमी का भी, क्योंकि यह इन दिनों में इन्वायरमेंट का ये इम्पैक्ट आता है कि जितनी भी इसके अंदर टिक्स हैं, मौजूद जुए हैं, ये जानवरों को इन्फेक्शन काज कर सकती हैं, कांगो वायरस फैलता है, और ये एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर फैलता है, और ये ना सिर्फ जानवरों में बल्कि, क्योंकि ये जूनोटिक इम्पैक्ट भी रखता है, ये इंसानों में भी फैलता है। जैसे कि आज से कुछ 3 से 4 साल पहले चकवाल के अंदर एक इंसान की डेथ हुई, जो कि उसके जानवरों से फैला ये कांगो वायरस और उसको इन्फेक्शन काज की। लेकिन हम आज कहाँ पे खड़े हैं कि हमें इसकी प्रिवेंशन, रोकथाम करनी चाहिए वन हेल्थ को कंसीडर करते हुए। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट के चेंज के साथ, टिक्स से जो फैल रहा है ये वायरस, उसके इम्पैक्ट के साथ ये इंसानों में भी फैल रहा है, उसके साथ ये जानवरों में भी फैल रहा है। तो हम अपनी गवर्नमेंट के साथ ऐसा काम करना चाहते हैं कि ये ऐसे इकदाम करे, प्रिवेंशन करे इस डिज़ीज़ की, सिर्फ और सिर्फ, ना सिर्फ इंसानों के अंदर बस जानवरों के भी अंदर, क्योंकि जानवरों में इस मुझी बीमारी के जो साइन सिम्टम्स हैं, अलामत है, वो इस तरह जाहिर नहीं होते जिस तरह के इंसानों में होते हैं। तो हमारा लाइफ स्टाइल सेक्टर और हमारा हेल्थ सेक्टर, ये अगर दोनों कोलेबोरेशन से काम करें तो वन हेल्थ पे काम करते हुए इस डिज़ीज़ की रोकथाम की जा सकती है, और हमारे फार्मर भाई के लिए उसकी जो जानवर की ग्रोथ है वो इम्प्रूव की जा सकती है, और एट द एंड इंसानों की जो बीमारी लाहक है उस पर भी हम रोकथाम कर सकते हैं। और ये क्योंकि वेक्टर बाउंड डिज़ीज़ है, तो हमें इस तरह इन्वायरमेंट को भी इसमें फोकस करना चाहिए, और वन हेल्थ को लेके हमें इसकी रोकथाम करनी चाहिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यूनिवर्सिटी में आके यहाँ पे मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे, मुझे खुशी हुई कि जैसे दुनिया में आजकल क्योरेटिव की बजाय हम प्रिवेंटिव साइड पर जा रहे हैं, क्योंकि जब लोग बीमार होते हैं तो उनके रिसोर्स भी उस पर लगते हैं, और बीमारी जो है वो कभी ना कभी, जैसे हमने डेंगू से लड़ाई की, कोरोना से की, तो उसमें काफ़ी सारी जानें ज़ाय हो गई। इस तरह ये भी एक डिज़ीज़ जो है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिज़ीज़ है, दो इसमें हमारे कुछ डॉक्टर्स भी चले गए लास्ट उसमें,
तो इसमें प्रिवेंटिव साइड पे गवर्नमेंट के आने का मतलब ये है, होल वर्ल्ड इज़ कमिंग टुवर्ड्स प्रिवेंटिव साइड, कि डिजीज़ को प्रिवेंट किया जाए ना कि उसको होने के बाद ट्रीट किया जाए। तो इस सिलसिले में ये जो टिक्स के बारे में, ये जो कांगो हेमोरेजिक फीवर है और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च जो है, ये जो रिसर्चेज हो रही हैं, इसमें हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट भी आपके साथ साथ है। यानी जब अब देखें आजकल जानवरों की नकल हरकत ज़्यादा होगी, आगे कुर्बानी आने वाली है या मंडियों पे जानवर आते हैं एक हिस्से से दूसरे में जाते हैं, तो लास्ट ईयर में तो हमने ईद के दिनों में अपने हेल्थ पर्सनल्स वहाँ बिठा दिए थे ताकि लोगों को आगाही दें कि आप जो है जानवर्स को नहलाएं या उनके साथ जब आप इंटरेक्शन करें तो ग्लव्स पहन कर रखें, उनसे फासला रखें, जैसे अभी बताया जा रहा था कि लाइट कलर्स के क्लोथ्स पहने ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। और जो किसान है, जो बेचारा जो है, जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके, ये भी उनका भी जो नुकसान हो रहा है उससे भी बचा जा सके और ह्यूमन लाइफ लॉस से भी बचा जा सके। ये काबिल तहसीन बात है कि सब लोग इसमें जब मिलजुल कर काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो प्रिवेंशन है कांगो हेमोरेजिक फीवर की, ये हम कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा शाहिद है और मैं जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका के साथ एज ए कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया इनके साथ काम करते हुए, उससे पहले मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ मोर देन 5 ईयर्स। और मुझे आज, मेरे लिए ये ऑनर और प्रिविलेज की बात है कि मैं आज नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान का पार्ट हूँ एज ए स्पीकर, और ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी एज वेल एज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम ये कोशिश करते हैं कि हम क्योर की तरफ पहले जाएं, बट ऑलवेज देयर इज़ अ सेइंग दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो हमें उसको अपने जहन में रखना चाहिए। और हमारा प्रॉब्लम ये है, यहाँ का पाकिस्तान का डिलेमा ये है कि हमारे रूरल एरियाज़ की इलिटरेसी रेट इतना ज़्यादा है कि जिसके ऊपर हम फोकस नहीं करते। तो ऑब्वियसली हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स इस तरह के करवाने चाहिए ताकि लोग उनके बारे में अवेयर हों इन अ वेरी बेसिक लैंग्वेज, जो कि हमें उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि कैसे वो कांगो हेमरेजिक फीवर और इसी तरह से रिलेटेड जितनी भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में स्प्रेड करती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है तो उसकी वजह से यहाँ पे वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के लिए ये फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू ऑब्वियसली थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट, थ्रू यूनिवर्सिटीज़ एंड थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि सब मिल के काम करेंगे तो वी विल फील अ बेटर एंड प्रॉस्परस पाकिस्तान इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।